ये जलवा फैशन का है, ये जलवा का ये क्या है, ये तो टट्टी है। कैसे हो आप लोग? हम लोग आ गए हैं नया व्लॉग लेके, और ये व्लॉग होने वाला है ईद के कपड़ों के बारे में। सो अपन लोग ने ईद के कपड़े खरीदे हुए हैं, बहुत सारे खरीदे हुए हैं। सो आप लोग को वो कपड़े अपन लोग दिखाएंगे ईद के, जो अपन लोगों ने पूरे रमजान भर जो 30 रोजे थे उसमें शॉपिंग करी है। चलते हैं वन बाय वन। तो सबसे ज्यादा पसंद आपको ये चीज आएगी। ओ आई एम सो स्मार्ट यार, देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है। सो ये मैंने एक्सरसाइज ली है जानबूझ के मैंने एक्सरसाइज ली है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको 2-3 साल पहनूँ। सो समझ रहे हो ना, क्योंकि अब मम्मी तो कपड़े खरीदती नहीं मेरे, तो मैं खुद से खरीदता हूँ ऐसे कपड़े जो लंबे समय तक चले। तो भाई ये इसको बाय बाय बोलते हैं। और ये अपनी शर्ट है, एक और मैंने मंगाई थी। सो ये शॉर्ट वीडियो में दिखाया था अपन लोगों ने। सो कैसी लग रही है यार ये भी ढीली है, क्योंकि अपन लोगों को पहनना है काफ़ी टाइम तक। ये सबसे बढ़िया फिटिंग की है और अच्छा टेक्सचर भी है, बट मेरे को पता है ये 6-7 महीने की मेहमान है, उसके बाद ये मेरी टाइट पड़ने लगेगी यार ये मेरे पे। तो चेक इट आउट ब्रो, चेक इट आउट, ये चेक करो यार ये कैसी लग रही है, कूल गोवा वाली वाइब वाली। सो काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है इसका, एंड आई लव इट ब्रो। देखो आप लोग सोच रहे होगा कि मैं इतने सारे कपड़े क्यों ले लिया ईद के लिए, इतने तो पहने नहीं जाएंगे। मेरे पास बाहर जाने वाली शर्ट नहीं थी, तो इस वजह से घर से अलाउ किया गया कि अच्छे से मैं कपड़े मंगा लूँ, जो कि मेरे को मतलब जाने आने वाले कपड़े हो जाए मेरे पास, तो उस वजह से। तो ये तभी इतनी सारी शर्ट मंगाए कि ये जस्ट बिकॉज ईद के लिए नहीं, नॉर्मली पहनने के लिए भी है। सो हाँ तो भाई इसके नीचे देखो यार, चेक करो ब्रो, आप बताओ भाई कैसी लग रही है शर्ट यार, ये शर्ट पे ये बेहतरीन लग रही होगी। नहीं अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इसमें कुछ कमी दिख रही है? ये जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। सो आप देख सकते हो भाई कितना मस्त लग रहा है आउटफिट, ईदगाह पे ऐसे पहन के चला गया भाई, समारोह क्या बात हो जाएगी। अब बताओ इतनी वीडियो बन गई और ऑन ही नहीं था यार, हद है यार, फिर से बोलना पड़ेगा, चुप बोल देते हैं। सो ये ट्राउजर देखिए भाई कैसा लग रहा है, चॉकलेटी कलर। और भाई जैसे अम्मी ने देखा ना इसको, कहा ये क्या है, ये तो टट्टी है। ये बात बता दो, इतने सारे कपड़े में ईद में कोई नहीं पहनने वाला, क्योंकि भाई कुर्ता पैजामा पहनूंगा पिछली ईद का। इस वाली ईद में मैं कुर्ता पजामा सिलवाने गया था, टेलर ने मना कर दिया था, जस्ट बिकॉज कि वो 22 रोजे को गया था मैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरे पास अब इतना काम आ गया है, मैं तो नहीं लेने वाला कुर्ता पजामा आपका, ना सिल पाएगा आपका। बहुत सारी शॉपिंग कर ली, मज़ा आ गया भाई। तो हाँ दोस्तों, फाइनली इट्स टाइम फॉर अफ्तारी, और ये हमारी सेकंड लास्ट अफ्तारी होने वाली है। मैं तो भाई सो गया था यार, आधे घंटे की नींद अभी ले ली, दोपहर से जग रहा था, तो अभी एकदम बिल्कुल घोड़े बेच के सो गया था मैं। सो जल्दी से चलते हैं और अफ्तारी करते हैं। अपन लोग चल रहे हैं दूध की खरीदो फोक करने के लिए, और ये खरीदो फ्रॉक और अपन लोग को लेना 6 लीटर दूध। सो गाइस अपन लोग दूध की शॉप पे आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, और हमारे ओएल में भाई ट्रेडिशन बदल रहा है यार, पहले घर घर जाके लोग दूध लेते थे, मतलब आते थे दूध वाले, अब यहाँ पे तो ऐसे दुकानों पे लेते हैं आके, और बहुत भीड़ लगती है। सो गाइस बड़ी मशक्कतों के बाद अपनों ने दूध ले लिया है, और काफ़ी भीड़ थी यार, और ये दूध भाई घर के यूज़ के लिए नहीं है, ये अब्बू के स्कूल जाएगा। फाइनली अपन लोग चल रहे हैं घर का दूध लेने के लिए, अब बताओ मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ दूध। सो ये दूध भाई अपन लोग लेंगे, और इसमें से बनेंगी ईद के पकवान बनेंगे इसमें। तो अभी कुछ बज रहे हैं 9:15, और हमारी तरावी मुकम्मल हो चुकी है, और इस साल के रोज़ों की तरावी हो गई है, अब अगले साल तरावी में मिलेगी इंशाल्लाह। तो कल आखिरी रोज़ है, बहुत अजीब लग रहा है यार, अब लंबी तरावियाँ नहीं होंगी। ये व्लॉग छोटे रखते हैं अपन लोग, और अभी खाने का टाइम हो रहा है, सो अपन खाना खाने जा रहे हैं। अपन लोग इंजॉय कर रहे हैं बिरयानी विद सम रायता, बिस्मिल्लाह करते हैं।
तो आप लोगों को जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, शब बखैर। वो डिफरेंट कलर का ट्राउज़र है, चॉकलेटी कलर है शायद, और ये बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि मेरे को यार स्किनी जीन्स पसंद नहीं है बिल्कुल भी, चुभा चुभा कपड़ा। मैं लोअर पसंद करता हूँ पहनना घर पे, और आई हेट इट अगर मेरे को पूरा दिन अगर